टास्क में ढीले रवैये की वजह से सीनियर्स और सलमान को हुई सभी कंटेस्टेंट से चिढ़। सलमान की फटकार का क्या होगा नतीजा और किसकी गिरेगी विकेट और क्या कुछ हुआ वीकेंड का बार में, चलिए जानते हैं। पहले आप देखेंगे कि घर वाले हैं ना खुश निकी के सीनियर बनने से। इस बात का सबसे ज्यादा मुद्दा बनाया एजाज खान ने। एजाज को नहीं पसंद आया कि किस तरह से निकी को सीनियर के तौर पर चुन लिया गया। वैसे वो दोनों ही सीनियर्स यानी कि सिद्धार्थ और गौहर से इस बात पर डिस्कशन भी करते हैं, जिस पर आपको एक बहस होती दिखाई देगी। यहाँ पर दोनों ही सीनियर्स अपने पक्ष को रखते हैं और बताते हैं कि क्यों उनके हिसाब से निकी पहली सीनियर बनने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट थी। जिसके बाद ये सारी कन्वर्सेशन आप देखेंगे कि सलमान खुद सुनते हैं। यहाँ पर सलमान अभी थोड़ा सा इन्हें इग्नोर कर घर में तीन क्रिकेटर्स से इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग करते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो तीन क्रिकेटर्स आने वाले हैं, ये घर वालों से कुछ सवाल जवाब करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसके बाद सलमान इंट्रोड्यूस करते हैं तीनों ही क्रिकेटर्स को घर वालों से, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो फन क्वेश्चन आंसर राउंड था ये तब दिलचस्प होता है जब तीनों ही क्रिकेटर्स मिलकर सभी घर वालों से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ को ये क्वेश्चन पूछा गया कि घर में हिट विकेट किसका है, जिसके जवाब में उन्होंने लिया शहजाद का नाम। वहीं रुबीना और अभिनव से पूछा गया कि कौन किसको रन आउट करवा सकता है। इस पर रुबीना काफी कंफ्यूज होती हैं। सलमान उन्हें ये बताते हैं कि इसका सही मतलब क्या है। वहीं जब जवाब देने की बारी आती है तो दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे में काफी कंफ्यूज दिखाई दिए, लेकिन रुबीना को लगता है कि उनकी वजह से अभिनव रन आउट हो सकते हैं। जिसके बाद जैस्मिन से पूछा गया कि घर में गुगली कौन मारता है, इसके जवाब में उन्होंने रुबीना का नाम लिया। वहीं हीना से पूछा गया कि सबसे पहले घर से कौन बेघर हो सकता है, इसका जवाब देते हुए हीना ने सारा का नाम लिया। सारा इस बात का जस्टिफिकेशन देती है, लेकिन सलमान उन्हें ये वॉर्न करते हैं कि ऐसा ना हो कि जब तक वो गेम समझे वो घर से बेघर हो गई हो। वहीं पवित्रा से पूछा गया कि फ्रंट फुट और बैक फुट पर कौन खेलता है, इसके जवाब में पवित्रा ने अपना नाम लिया और ये कहा कि वो फ्रंट फुट पे खेलना पसंद करती हैं। वहीं बैक फुट पर उन्होंने जैस्मिन का नाम लिया। जैस्मिन इसका बड़े ही शानदार तरीके से एक जवाब देती हैं। इस जवाब को सुनकर सलमान भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं इस टास्क के बाद सलमान ने तीनों ही क्रिकेटर्स को अलविदा कहा, लेकिन इसके बाद सलमान आज कहीं ना कहीं खिंचाई के मूड में है। उन्होंने शुक्ला जी को टारगेट करते हुए कहा कि वो आजकल काफी ज्यादा बिजी रहने लगे हैं। वैसे शुक्ला जी जो है वो हमारे सिद्धार्थ शुक्ला है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो कभी टैटू बनाते हुए नजर आते हैं तो कभी ऐसे डिसीजंस लेते नजर आ रहे हैं जिसको देखकर घर वाले काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। वैसे इस डिसीजन में उनका ये डिसीजन है कि वो घर के बाहर शादी करने वाले हैं। इस पर हीना काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और निक्की भी इस बात में कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। वहीं आप देखेंगे कि हीना क्यूरोसिटी में पूछती है कि वो शादी किससे करने वाले हैं और क्या ये बात सच है या नहीं। सलमान बड़े ही चालाकी से ये बताते हैं कि किस दिन से किस दिन तक शादी ऑर्गेनाइज की गई है और कौन से टाइम से कौन से टाइम तक फंक्शंस रखे गए हैं। वैसे ये बात जो थी वो क्लियर करते हुए सलमान ने आखिरकार बता ही दिया कि आखिर उनका जो शो है वो जल्द ही आने वाला है। वैसे यहाँ पर बालिका वधू की बात की जा रही थी, जिसको सुनने के बाद हीना काफी ज्यादा हंस पड़ती हैं। इस बात को हीना ऑलमोस्ट मान चुकी थी, उन्हें लगा था कि शायद हो सकता है कि सिद्धार्थ ने कोई ऐसा फैसला किया हो। वैसे इस बातचीत में कहीं ना कहीं हीना सलमान से उनकी शादी के बारे में पूछ लेती हैं, जिसके जवाब में वो भी हीना को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। ये जो फनी कन्वर्सेशन था इसको देखकर सभी को काफी ज्यादा मजा आता है। इसके बाद ऐसा टास्क हुआ जहां सभी कंटेस्टेंट्स को दिया गया मौका खुद को कैटेगराइज करने का। यहां पर उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें ये डिसाइड करना था कि वो एक्सीलेंस से लेकर एवरेज तक किस कैटेगरी में खुद को देखते हैं। यहां पर आपसी सहमति से कंटेस्टेंट्स को ये डिसाइड करना था कि वो या तो गुड है या तो फिर एक्सीलेंट है या फिर अपने आप को एवरेज मानते हैं। इस टास्क को देखने के बाद तीनों ही सीनियर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि इस टास्क में काफी बहस हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपने आप को गुड एक्सीलेंट या फिर एवरेज में काउंट ही नहीं करता था। जिसको जो पोजीशन दी गई वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। इस टास्क को देखने के बाद सलमान भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं। वो सभी कंटेस्टेंट्स को समझाते हैं कि आखिर वो शो में किस लिए आए हैं और क्या वो अपनी इम्पोर्टेंस भूल गए हैं। जब सभी कंटेस्टेंट्स को ये बात समझ में आती है तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसके बाद गलतफहमी के गुब्बारे को भी फोड़ा गया।
सबसे पहले सलमान ने दिया निकी को ये टास्क, जहां पर उनको ये बताना था कि घर वालों की कौन सी गलतफहमी है जो उन्हें दूर करनी चाहिए। वहीं रुबीना ने जास्मिन और पवित्रा की गलतफहमी को दूर किया। वहीं जो निशांत और राहुल थे, उन दोनों ने एक दूसरे की गलतियों को गिनवाया, जिसके बाद आप देखेंगे कि सलमान आज किसी को भी घर से बेघर नहीं करते हैं। वैसे आपको ये पूरा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहे चली मसाला।